सुबह के 4 बजे हम लोग उठे और उठने के बाद बहुत तेज आ रही थी नींद, लेकिन मैंने साइड करा नींद को अपनी और उठने के बाद मैंने सबसे पहले किया टूथपेस्ट। टूथपेस्ट करके मैं हो गई फारिक और मैंने वजू करके सेहरी के लिए रेडी हो गया। साथ में बैठी शिफा, दस्तरखान लगा चुकी हूँ मैं और यहाँ पर है आलू को सवैये और रसगुल्ले कुछ मीठे में, और जल्दी जल्दी हमने सेहरी ख़त्म की। अपनी सेहरी ख़त्म करने के बाद खाने से फारिक होने के बाद अचानक से मैंने लगा मेरे गले में दर्द, पता नहीं क्या हो गया, आवाज़ें मारी मारी मुझे लगती थी और गले के दर्द की वजह से मैंने फटाक से बनाई चाय और कुल्हड़ में सर्व की और कुल्हड़ वाली चाय का मज़ा लिया और सहरी इसी तरह अपनी पूरी करी। यहाँ शिपा बैठ गई कुरान शरीफ पढ़ने और मैं भी पढ़ूँगी कुरान अभी, लेकिन अभी मैं चाय पीऊँगी पहले। हेलो, सुबह हमारी हो चुकी है, 10 बजे सुबह हो गई थी हमारी, लेकिन अब बच चुका है 1 और जोहर की अज़ान भी हो गई है। और सारा काम करने के बाद मैंने भी जोहान को सुलाया है, क्योंकि जोहान की तबीयत ठीक नहीं थी। जोहान चाहता था कि मैं मम्मा की गोद में ही लेटा रहूँ और बड़ी मुश्किल से मैंने जोहान को लेकर निकाला है। 4 बार कोशिश की मुझे निकालने की मैंने जोहान को, लेकिन वो लेटे रो रहा था और अब बड़ी मुश्किल से लेटाया है मैंने जोहान को। और अफान भाई गए थे अपनी दादी के साथ अपने अप्पो के घर पर, तो फिर जल्दी से फ्रेश होते हैं और नमाज की तैयारी करते हैं और फिर थोड़ा सा सोया जाएगा उसके बाद, क्योंकि रात को तो उठे ही थे हम सहरी में, फिर जल्दी उठ गए सुबह, तो नींद थोड़ी पूरी नहीं हुई हमारी और रात भी काफ़ी लेट सोए थे। तो जल्दी से फ्रेश होते हैं और फिर रमज़ान सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और इस रमज़ान के सदके सभी को सभी की जायज़ और नेक दुआएं कबूल करें अल्लाह पाक, और सभी को नमाज और रोज़ा रखने की ताकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि जुहान भी सो रहा है, मैं भी सो जाऊँगी जुहान के पास जाकर और मिलेंगे फिर अफ्तार के वक्त। वक्त हो चुका है, यहाँ नानी काट रही थी अफ्तारी और मामी बना रही थी पकौड़ियाँ। कट गई नानी अफ्तारी? हाँ बेटा, मसाला मिला। अच्छा, कैसे रात हो रही है यहाँ पर? मुझे जाता हूँ। क्या ले रहे हो? मैं ले रहा हूँ। हैं? मुझे जाता नहीं है। पकौड़ी खाई जा रही है बस। अच्छा। पकौड़ी बना ली है मैंने। ऐसे एक घंटे में तो हो जाएगा मेरा काम। फैमिली को अफ्तार का वक्त होने वाला है, सब अपने काम में व्यस्त है, जैसे कि मामी बना रही है पकौड़ी, नानी काट रही है अफ्तारी और मैं आज बना रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि मामी का काम है ब्लॉग बना, लेकिन आज मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मामी को कर रही है कुछ काम। माशाल्लाह बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है बाहर का और रोज़ा होने वाला है, बस कुछ ही देर जा रही है रोज़े होने में। और सभी लोग दस्तरखान पर बैठ चुके हैं, मैं दिखाती हूँ आपको जी, सभी लोग बैठ चुके हैं, अल्लाह की शान देखिए, दस्तरखान लगा हुआ है लेकिन सभी लोग बैठे हुए हैं अल्लाह के, सिर्फ अल्लाह की जब तक आवाज़ नहीं आएगी अल्लाह के यहाँ से। अफू गंदी बात करी, ये गंदी बात करी, अब रोज़ा खाएंगे ना मम्मा। हाँ जुहान भी बैठा हुआ है दादी की गोद में अपनी। जुहान क्या हो रहा है? जुहान के पहले रमज़ान है ये। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, और ये बदतमीज बच्चा का गल्ला है, क्या खा रहे हो ये? अभी नहीं खाते, अल्लाह अल्लाह होगी जब खाते हैं, ठीक है? होती है? दुआ करके दिखाओ, दुआ कैसे करते हैं, दुआ करो जल्दी से, पहले पहले दुआ करो, कैसे करी दुआ आपने भी? ला इलाहा, हाय 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 हाय, शर्म। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हमें आना पड़ा नर्सिंग होम, अब यहाँ से जा रहे हैं घर पर, क्या हुआ ये बताती हूँ मैं अभी आपको घर जाकर। घर पर आ चुके हैं हम लोग और अफ़ान की चोट लग गई थी, लास्ट टाइम याद होगा आपको कि अफ़ान गिर गया था स्टेयर पर से, मैंने आपको बताया भी था स्टिचेज आए थे अफ़ान के, और सेम उसी तरह आज फिर गिर गया है अफ़ान, पता नहीं कैसे खेलते खेलते वो गिर गया और उसके फिर से चोट लग गई है उसी जगह पर और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, तो जल्दी जल्दी हमें जाना पड़ा नर्सिंग होम। अफ़ान के पापा गए हुए थे हेयर कट कराने के लिए, तो मैं और शमी नवाजी जल्दी से लेकर गए उसको, और काफ़ी रो रहा था अफ़ान भी, लेकिन अब वो ठीक है, फिर से स्टिचेस आए। यहाँ पर हमारी नई बहू आई है, अफ़ान को भी देख कल के ब्लॉग में तो आ जाएगा, बोलना सर का सीन आ जाए मेरा भाई। क्या हो गया अफ़ान, चोट लग गई? शॉर्ट व्लॉग डाल दो करो, मिनी व्लॉग, लेकिन मैं ये खा रही हूं, नहीं बनाया मेरे पास आज।
बाबू क्या हो गया? चोट लग गई। कैसे गिर गया था? ऐसे गिर गया मेरा बच्चा। चलो कोई नहीं, ठीक हो जाओगे। नानू मेरे चोट लग गई। और कैसे रोया था फन? चोट लग गई थी जब। चावल खा रहा है तो खा ले वो दवाई। दादी के लिए चावल खा लो। चलो तो खा लो।